सम्मानित जस्टिस साहब, सम्मानित प्रभात कुमार जी, विशाल जी, दिव्य जी, अनूप श्रमिक जी, इंद्रेश जी, भार्गव जी और साथियों, आज ये बहुत विशेष अवसर है कि हम लोग आज यहां पर स्कूल फॉर सोशलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं। समाजवाद इस समय ऐसा शब्द है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मार्केट फोर्सेस, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ लगता है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को या जो कॉरपोरेट या जो बाजार मार्केट ड्रिवन सोसाइटी और स्टेट्स और नेशन जो भी कुछ है, उन्हें सबसे ज्यादा अगर एक शब्द से खतरा है तो वो है समाजवाद से। समाजवाद के पूरी दुनिया में तमाम सारे प्रयोग हुए, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। जब तक अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गुंडागर्दी, आतंक सब कुछ रहेगा, तब तक समाजवाद का विचार समसामयिक रहेगा, प्रासंगिक रहेगा और लोगों को लगातार प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। भारत में समाजवाद औपचारिक अगर शुरुआत किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तो 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। उसके पहले से चल रहा था समाजवाद का तो विचार, समता का विचार है, बराबरी का विचार है। अब वो विचार हम चाहे कबीर जी की बात करें या रैदास जी की बात करें, नानक जी की हम बात करें, बाबा साहब की बात करें, महात्मा फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, एक समता का विचार या बुद्ध की बात हम करें तो एक समता का विचार तो जिसे कहा जाए कि अनादिकाल से चलने वाला विचार है, क्योंकि सबके मन में एक बराबर होने की और सम्मान पाने की एक प्रेरणा काम करती है। उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। यही पूरा जो हमारा युवा शिविर है, ये युवा शिविर इसी बात का शिविर है, वैचारिक प्रशिक्षण का शिविर है, तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन हम अभी जो ये स्कूल ऑफ सोशलिज्म है, इसका जो पूरा सोच है, चिंतन है, विचार है, वो डॉक्टर जीजी पारिख जी के ख्याल में आया है, विचार में आया है, उनकी कल्पना में आया है। और आपको डॉक्टर जीजी पारिख जी के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्टर जीजी पारिख जी इस समय 98 साल होने वाले हैं, 98 साल के, 98 ईयर्स के, 100 में से 2 कम। और उनके दिमाग में ही जो है इसका पूरा प्रारूप आया कि हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, देश में हजारों लाखों स्कूल हैं जो अलग अलग विचारों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, कहें या ना कहें, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अलग अलग विचारों के जो अपने उनके सबके स्कूल हैं, तो हमारा भी एक प्रशिक्षण का एक केंद्र होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरीके का प्रशिक्षण तो मैंने अकेले ने 400 शिविर किए हैं, अकेला जिसके साथ में जुड़े हुए हैं जबर सिंह जी, वो एक साल में 500 शिविर करता है, जिसका नाम है राष्ट्र सेवा दल, जिसे 75 साल हो गए। तो शिविर तो हजारों किए हैं समाजवादियों ने किए हैं, लेकिन एक फॉर्मल जिसके अंदर हम लोग एक कोर्सेज हम हो, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज हो समाजवाद को लेकर के, जो लोग समझना चाहें पूरी विचारधारा को, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को, उसमें समाज कैसा होगा, उसमें बाजार की क्या स्थिति होगी, उसके अंदर जो सरकारें बनेंगी उनकी क्या स्थिति होगी, धर्म के प्रति क्या नजरिया होगा, डेवलपमेंट के प्रति क्या नजरिया होगा, ट्रेड यूनियन के प्रति क्या नजरिया होगा, महिलाओं के प्रति क्या होगा, दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, तो पूरे के पूरा जो एक समाजवाद का जो विचार है, अब उसको मूर्त रूप देने के लिए उसका जो एक सैद्धांतिक पक्ष है वो भी लोगों के बीच में रखने का काम किया जाए, ये डॉक्टर जीजी पारिख जी की मंशा रही। डॉक्टर जीजी पारिख जी लगातार इस समय यूसुफ नेहरू सेंटर, जिसका ये यहां पर ये सेंटर है यूसुफ नेहरू का, तमाम सारे काम होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और मैं जरूर चाहूंगा
कि गुड्डी जी जो है अभी मेरा बात खत्म होने के बाद में गुड्डी जी यूसुफ मेरे सेंटर और जो सोच है वो जरूर रख देंगे क्योंकि वही उसके केंद्र बिंदु में है स्कूल ऑफ सोशलिज्म के जो पूरा ग्रामीण विकास का जो विचार है वो जीजी की समय जो प्राथमिकता सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो उनकी प्राथमिकता है पर्यावरण संकट जिस तरीके से है जिस तरीके से एक पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो गया है जो हम लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है मतलब वो उसके अंदर जो है छेद हो रहे हैं और अगर जो है टेम्परेचर जो तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है अगर 2 डिग्री तापमान बढ़ गया तो कम से कम 70 देश ऐसे हैं देश जो डूब जाएंगे और हमारे भारत के अंदर जो आप देख रहे हो कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कभी होता नहीं था उत्तराखंड के अंदर ऐसी बारिश इस मौसम में होती नहीं थी और आप तो सब कुछ देख चुके हैं जिस तरीके की बाढ़ और जो जो कुछ बीच बीच में आ रहा है बाढ़ आ रही है सूखा पड़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो किसानों के ऊपर पड़ता है क्योंकि उनकी पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं उनका पूरा जीविकोपार्जन जो है वो संकट के अंदर पड़ जाता है प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा नुकसान उसे होता है तो पूरा का पूरा एक संकट में है पूरी दुनिया तो उस संकट का हल क्या है क्योंकि विकास भी चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण भी चाहिए तो आखिरकार कहां पर जाकर इक्विलिब्रियम होगा कहां पर जाकर के बैलेंस होगा इंसान और प्रकृति के बीच में ये एक बहुत बड़ा सवाल है मतलब इस समय की जो पूरा विकास की अवधारणा है वो विकास की अवधारणा अधिकतम संसाधनों का दोहन है और वो अधिकतम संसाधनों का दोहन करके और एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बनाना है मतलब ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना चाहिए लोगों को अगर ये यही चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर उपभोग होगा और जो जीवन स्तर यूरोप का है और अमेरिका का है अगर भारत के 137 करोड़ लोग भी वही जीवन स्तर पाना चाहेंगे तो ये देश का पूरा जो पर्यावरण और संसाधन है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे लेकिन हर व्यक्ति की मंशा विकास की है तो वो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका और यूरोप तुमने तो सब कुछ कर लिया तो हम क्यों नहीं हासिल करें गांधी जी ने एक रास्ता बताया था वो जो गांधी जी यहां पर है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि गांधी जी का सबसे पहले चित्र लगा है क्योंकि गांधी जी ने एक तरीके से प्रैक्टिसिंग सोशलिस्ट थे उन्होंने अपने आप को कभी समाजवादी नहीं किया कहा और उन्होंने समाजवादियों के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां करने का काम वो जिंदगी भर करते रहे लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग सोशलिस्ट के तौर पर कहा जाए कि एक समाजवादी कैसा होना चाहिए तो अगर आपको देखना हो तो आप गांधी को देख सकते हैं जिसने कि इस देश के पार्टीशन के चलते इस देश के अंदर आपको मालूम है कि उनको जो हत्या की गई वो इसलिए किया गया ये माना गया कि मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं उसे पैसा दिलाना चाहते हैं कुल मिलाकर के वो एक सनातनी हिंदू भी थे लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े थे विभाजन के साथ के खिलाफ में वो खड़े हुए थे कुल मिलाकर के ये जो पूरी स्थिति है तो इसको लेकर के गांधी जी का चित्र यहां पर है आचार्य नरेंद्र जी मार्क्सिस्ट थे पहले दिन से और जब उनका देहांत हुआ तब तक भी वो मार्क्सिस्ट रहे बौद्ध दर्शन के इस देश के अंदर उनसे बड़े ज्ञाता बहुत कम हुए जिन्होंने पाली भाषा जो सब भाषाएं उस समय इस्तेमाल होती थी उसके वो ज्ञाता थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे और सोशलिस्टों के कहा जाए कि सबसे बड़े दिग्गज थे या इन सबके बुजुर्ग थे जब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी तब ये सब लोग अंडर 40 थे ये सब जो आपको जितने फोटो दिख रहे हैं ये सब युवा स्थिति में थे मतलब आप में से बहुत सारे लोगों की जो उम्र होगी उस उम्र में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी कांग्रेस के अंदर बनाई थी लेकिन वो मार्क्सवादी थे मतलब जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वो मार्क्सवादी पार्टी थी उसका जो प्रामाणिक विचार था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो वही था इनके साथ वो आखिरी तक रहा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में तो प्रभात जी आपको बहुत विस्तार से बताएंगे लेकिन जेपी आजादी के आंदोलन के एक सेनानी भी थे जेल तोड़ करके हजारीबाग के भागे भी थे 42 के मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल था और एक उनकी बहुत बड़ी चमक थी इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के अंदर और उसके बाद आपको सबको मालूम है
कि वो मैं जब समाजवादी आंदोलन पर बात होगी तब उस पर बात करूंगा, लेकिन इस देश के अंदर जब लोकतंत्र खतरे में आया, इंदिरा गांधी ने जब देश के अंदर तानाशाही को लादने का काम किया, तो फिर छात्रों ने आंदोलन किया और उन छात्रों ने कहा कि आप हमारी अगुवाई करो, है ना। आंदोलन जेपी का नहीं था लेकिन छात्रों का आंदोलन था और उनके कहने पर वो जुड़े और उसके बाद में इस देश के अंदर से तानाशाही समाप्त हुई और लोकतंत्र की बहाली हुई। तो उन्हें एक तो इस काम के लिए भी जाना जाता है और आजादी के आंदोलन के। इसके तौर पर बहुत सारी बातें, लेकिन मैं एक एक लाइन में केवल बता रहा हूं आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फ्रीडम मूवमेंट के तो वो थे ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है जो कम लोग जानते हैं कि जो गोवा, जो आप लोग हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि एक बार कश्मीर हो गया है और एक बार गोवा होकर के आए, ये हर भारतीय चाहता है, है ना। तो वो गोवा जो मुक्त हुआ, पूरा देश आजाद हो गया, कब, 15 अगस्त 1947 को, उसके 15 साल के बाद में गोवा मुक्त हुआ। और उस गोवा मुक्ति का जो पहला जो एक चैलेंज करने के लिए पुर्तगालियों का शासन था, उनको चुनौती देने के लिए अगर कोई गया सबसे पहले 42 के अंदर, उनको जब अरेस्ट किया गया, लाहौर की जेल में रखा गया, उसी जेल में रखा गया जिसमें भगत सिंह को फांसी देने का काम किया गया था और बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत बीमार थे। इसके बाद वो गए गोवा में आराम के लिए गए, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि आपने अपने देश को आजाद करा लिया तो हमारा क्या होगा। और तब से उन्होंने जो शुरू किया, तो जब तक आजादी मिली गोवा की मुक्ति, तो उन्हें गोवा मुक्ति के अभी 75 साल हो रहे हैं। हम लोग वहां पर एक कार्यक्रम करने वाले हैं 12 से 14 नवंबर के बीच में, वहां के जो संत संग्राम सेनानी है वो उसका कार्यक्रम करेंगे। और डॉक्टर लोहिया का एक बड़ा योगदान देश के अंदर, सप्त क्रांति का विचार उन्होंने दिया कि समाज में 7 तरीके के अन्याय होते हैं, एक आर्थिक होता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर अन्याय होता है, वर्ण के आधार पर मतलब होता है, और पुरुष और महिला के बीच में होता है, रंग के आधार पर होता है। और उसके साथ में उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि जो लोगों की निजता का अधिकार है उसका सरकारें हरण करती हैं, कभी सरकार हरण करती है, कभी कोई धर्मगुरु कह देता है कि ऐसा होना चाहिए, ये कपड़े पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये बात। और फिर हिंसा के माध्यम से समाज को कब्जा करने की कोशिश होती है, चाहे वो गांव में हो, चाहे देश में हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका जैसे दादागिरी करके कर लेता है, हालांकि अभी तालिबानियों ने खदेड़ दिया, अलग बात है। कुल मिलाकर के उन्होंने सप्त क्रांति का एक विचार दिया, है ना। और इसके साथ साथ तमाम सारे विचार दिए डॉक्टर लोहिया के बारे में, जब मैं बातचीत यहां पर करूंगा तो अपनी बात भी रखूंगा। गैर कांग्रेस बात का भी एक उनका महत्वपूर्ण विचार था, उसके ऊपर भी बात जो है वो गैर कांग्रेस बात अब गैर भाजपा बात तक पहुंच गया है, वो एक लंबी चर्चा है, उसको यही छोड़ता हूं। यूसुफ मेहर अली जी का आज जन्मदिन है, 117 साल के होते अगर वो आज हमारे बीच में होते। और उनकी खासियत ये, वो तो आपको मुस्लिम परिवार के अंदर पैदा हुए, मुंबई में पैदा हुए, पढ़े लिखे मुंबई में भी और कलकत्ते के अंदर भी पढ़े लिखे, और वो जो है स्टूडेंट लीडर रहे, बड़े स्टूडेंट लीडर के तौर पर रहे। और उसके साथ साथ में उन्होंने जब साइमन आया तो साइमन का उन्होंने विरोध किया, और साइमन गो बैक का नारा उनके दिया हुआ नारा था। 42 के अंदर जो है वो जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा है ना, क्विट इंडिया का जो नारा है वो भी इन्होंने ही दिया था। और सबसे खास बात यह है, जेल में रहकर के वो चुनाव जीते थे, किसका, बंबई के मेयर का, और टिकट किसका था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को जानना चाहिए। टिकट वो कांग्रेसी नहीं थे, वो सोशलिस्ट थे, लेकिन जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस के अंदर थी। तो जब टिकट की बात आई कि भाई यूसुफ मेहर अली को कौन से उम्मीदवार बनाना है, तो लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेसी को बनाना चाहिए किसी, ये तो सोशलिस्ट है, भले ही कांग्रेस पार्टी में है वो अलग बात है, लेकिन सोशलिस्ट है। सरदार पटेल ने इंटरवेंशन करके, सरदार पटेल ने टिकट दिलाया और सरदार पटेल ने ये कहा कि इनसे ज्यादा पॉपुलर कोई दूसरा व्यक्ति बंबई में नहीं है, और अगर कोई जीत सकता है तो यही जीत सकता है। और यही हुआ, 80% वोट उनको अपने मेयरशिप में मिले। उसके बाद में वो जेल में थे आपको मालूम है, और उस समय ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का 42 का मूवमेंट हुआ, और 42 का मूवमेंट इस देश का सबसे बड़ा मास मूवमेंट है।
इतिहास के क्रम में जितने भी आंदोलन देखेंगे, चाहे 1857 का आप देख लें या उसके पहले का कोई भी आंदोलन देखेंगे, इतना बड़ा मास मूवमेंट 1942 के बराबर देश में कोई नहीं हुआ। और उसके सबसे बड़ा उसका प्रमाण यह है 50,000 लोगों की उसके अंदर मौत हुई, 1,00,000 से ज्यादा लोग उसके अंदर जेल के अंदर गए थे। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर इसका उल्लेख जो है जवाहरलाल जी ने भी इसका करने का काम किया है, और इसके हिस्ट्री के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। और ये बड़ी बात इसलिए है कि जो पूरे लीडर थे वो सब लीडर तो गिरफ्तार हो गए थे, गांधी जी के साथ में सभी नेताओं को 8 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। तो मतलब जिसके अंदर जमे जकड़े जितने नेता थे देश के कांग्रेस के, वो सब जेल में थे। और जितने नौजवान लोग थे वो लोगों ने आंदोलन चलाया था, वो जनता का आंदोलन था। तो 42 का मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण स्थान है। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ यूसुफ मेहर अली जी का आपको ये मैंने बताया, बहुत कम उम्र के अंदर उनका देहांत हो गया, 47 ईयर्स के अंदर वो चले गए, लेकिन उनके विचारों को याद के तौर पर रखने के लिए और उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर जी पारिक जी ने और अन्य सदस्यों ने मिलकर के यूसुफ मेहर अली सेंटर बनाया, जो आज 11 राज्यों में काम करता है। तो आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूसुफ मेहर अली सेंटर के नाते से एक सोशलिस्ट होने के नाते, और इसीलिए हमने ये दिन चुना कि आज के ही दिन हम जो है स्कूल फॉर सोशलिज्म, जो कि सपना एक डॉक्टर जी पारिक जी का है, उसकी हम लोग यहाँ पर शुरुआत करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हम सब लोग बहुत बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के इस समय अगर कोई धर्म ग्रंथ है उससे ये देश नहीं चल रहा ना चलेगा। इस समय का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वही यहाँ का धर्म ग्रंथ है, वही राष्ट्रीय ग्रंथ है। और बाबा साहब क्योंकि सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल के तौर पर उस समय माने गए, इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के तौर पर उनको देने का काम किया गया। और वो प्रैक्टिसिंग लीडर थे, मतलब केवल लिखने पढ़ने के काम वाले नहीं थे, उनके तमाम सारे जो आंदोलन है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो समता उसकी कोर वैल्यू थी, इसीलिए उनका फोटो यहाँ पर लगा है कि अगर कोई भी समाजवाद की अगर आपको कल्पना करनी है तो वो बाबा साहब के बिना पूरी नहीं हो सकती। और विशेष तौर पर आज के भारत के अंदर तो भारत का संविधान ही है जो कि इस समाजवाद को बचाएगा, समाजवाद के मूल्यों के तौर पर उसे बचाने का काम करेगा। और उसके साथ में कमला देवी चट्टोपाध्याय, वो भी कांग्रेस की लीडर थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की लीडर थी, उसकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट भी रही। तमाम सारे कम से कम 3 या 4 कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों की आपने अध्यक्षता करने का काम किया, और उसके बाद में आप अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग हिस्ट्री है। उसके बाद में वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो चली गई थी, उन्होंने हथकरघा के क्षेत्र में काम किया, और जो कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम देश और दुनिया के अंदर लिया जाता है। तो हम लोगों ने कि आप लोगों की सबकी प्रेरणा से आज जनता ट्रस्ट की ओर से इस जो है स्कूल फॉर सोशलिज्म की एक स्थापना की है, आप सब उसके गवाह हैं। अब हर चीज जब कोई शुरू होती है तो बहुत छोटी सी रहती है। मैं दुलताई से आता हूं जहां पर कि ताप्ती नदी है, तो ताप्ती माँ बोलते हैं ना, तो एक कुंड से निकला है ना। और उसके बाद में अगर आप चले जाओगे सूरत में जाकर के आप, तो फिर आपको एक विशाल काय रूप को मिलेगा। तो उद्गम जो होता है बहुत छोटा सा होता है, और ये कोई बहुत छोटा सा भी नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई थी वो 100 लोगों ने बनाई थी, है ना, जो कि पूरे देश के अंदर एक उसकी एक बड़ी ताकत रही, और वो भी कांग्रेस के अंदर बनाई थी, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग हैं वो एक विचार बनाते हैं, उस विचार को आगे बढ़ाते हैं, और उस विचार को जितनी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाते हैं उसका नाम चलता है। यहाँ पर फोटो नहीं है क्योंकि एक सीमा है, नहीं तो यहाँ पर फोटो हमारे जैसे लोग मानते हैं कि भगत सिंह जी का भी होना चाहिए। भगत सिंह से बड़ा समाजवादी कौन हो सकता है, 23 साल की उम्र के अंदर हुआ। लेकिन फिर मैं अगर उनका नाम लूंगा तो फिर बिरसा मुंडा का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि वो भी 23 साल की उम्र के अंदर जो है आपको मालूम है उन्होंने भी लोहा लेने का काम किया। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इतिहास के अंदर। तो खैर आप सब आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और हम लोगों ने इस फॉर्मल जो इसकी जो हम लोगों ने आज स्थापना की है, जीजी का और जो विचार है इस सेंटर को लेकर के,
वो अब गुड्डी जी आपके बीच में रहेंगी और उसके बाद में फॉर्मल हमारा जो शिविर है इसका उद्घाटन का कार्यक्रम जो है जस्टिस साहब के माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे। गुड्डी जी।